और जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, एसीबी झोटवाड़ा, प्रमोद स्वामी की बड़ी कार्रवाई, पुजारी आत्मदाह मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह मुरलीपुरा थाना इलाके में ये घटना हुई थी, पुजारी गिरिराज शर्मा ने तेल उड़ेल कर खुद पर आग लगा ली थी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। पुजारी के अस्पताल में बयान लेकर प्रमोद स्वामी ने ये कार्रवाई की। पुजारी के बयान और जांच के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुजारी के परिजन भी बोले कि केवल एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी की जांच पर भरोसा था और अब पुलिस उन नामजद आरोपियों से पूछताछ कर रही है, यानी कि और तथ्य सामने आ सकते हैं ताकि आगे की जो जांच है वो प्रक्रिया जो है उसमें गति लाई जा सके। लेकिन फिलहाल प्रमोद स्वामी की जांच पर भरोसा था, ये परिजनों ने कहा है। उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पुलिस उन 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद ने ये कार्रवाई की है। पुजारी आत्मदाह मामले में ये कार्रवाई की गई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुजारी गिरिराज शर्मा ने तेल उड़ेलकर खुद पर आग लगा ली थी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची थी पुलिस और अभी फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुजारी के अस्पताल में बयान लेकर प्रमोद स्वामी ने ये कार्रवाई की है। पुजारी के बयान और जांच के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम आगे दिया जाएगा, क्योंकि अब इस गिरफ्तारी के बाद भी परिजन थोड़े संतुष्ट हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो पुजारी जिसने आत्मदाह किया है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और न्याय मिल सके, क्योंकि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। और जिन 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अब उनसे पूछताछ की जाएगी, आगे की जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी खबर।